हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ टीजीटी 2013 के मैथ्स का एनालिसिस, जो 1 फरवरी 2015 को 1 फरवरी 2015 को कंडक्ट हुआ था। टीजीटी का मैथ का पेपर, उसका एनालिसिस मैं करा रहा हूँ। अगर आप अभी नए हैं और आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार का पेपर आएगा। तो चलिए हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक बल क्षैतिज से 30 अंश से कोण पर क्रिया करता है, यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किलोग्राम भार हो तो वह बल होगा। तो देखिए, इसे बड़े आराम से कर लेंगे। तो पी कोस 30, यानी क्षैतिज घटक पी कोस 30 हो जाएगा और बराबर है 10√3। कोस 30 की रूट 3/2 रखेंगे, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 जो आएगा बटेगा वो इधर हो जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं इतने, कोस अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में लगा देंगे, आंसर इसका ये वाला आ जाएगा। यहाँ गामा रूल लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, गामा रूल से ही आ जाएगा। यहाँ अदिश त्रिगुणन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ से ए इसका आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू लगा के इसमें रख देंगे तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। 0 के उपसमुच्चय होंगे, तो इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, 5 और 0। साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा ये है, तो ये निकालना। तो दूसरे वाले को पहले से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सोल्व करने के बाद इसका आंसर डी आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो ये लाल रंग का जो बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर में जो घंटी है इसका बटन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह निःशुल्क होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, चलते हैं, अब करते हैं आगे वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्या करना है आपको, ऊपर तो सीधी डिवाइड प्रमेय लगा देनी है, नीचे पहले आई कॉमन लेके ऊपर ले जाएंगे और फिर डिवाइड प्रमेय लगा के इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर घात माइनस हो जाएगी और डिवाइड प्रमेय लगा के इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर इसका सी आ जाएगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसमें पहले से इंटीग्रल में चेंज करेंगे और इसका आंसर ए आ जाएगा। अब देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, 2AD² + BD² इसका आंसर आ जाएगा। इन्हें जितने भी आंकड़े दे रखे हैं इन सबको जोड़ के जितने 5 हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसका जो आंसर है 12 का C पार्ट इसका आंसर। जब रेखाएं लंबवत होती हैं तो A + B = 0, तो यहाँ K की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए, क्वेश्चन पेपर बड़ा है तो इसे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, एक कोण 60 अंश दे रखा, तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, 180 में से 120 घटा देंगे तो बचा 60, 60 पर आधा बांट देंगे, यह आंसर इसका आ जाएगा। यदि एफ ये दे रखा, एफ एक्स वाई इतने का समांतर माध्यम निकालना, तो क्या करना हमें, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करनी है और जोड़ने वाला रूल लगा देंगे यहाँ पे और इसका यूज करेंगे, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। सी यहाँ पर दे रखा मापा निकालना, मापा का हम जानते हैं, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक के वर्ग से इसका बी आंसर इसका आ जाएगा। समीकरण इतने का एक ही वृत्त को निरूपित करता है, जैसा केंद्र ये है और त्रिज्या ये है, तो यदि ये हो जाए तो ऐसी दिशा में वृत्त को कहते हैं, अब भ्रष्ट वृत्त कहते हैं ऐसी दिशा में इसको। जेड की वैल्यू ये दे रखी, जेड आई ई की पर आई थीटा होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद डिवाइड प्रमेय लगाएंगे, फिर बन काटने वाला फॉर्मूला जैसे लगाएंगे इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए डायनोमिक्स का क्वेश्चन है, गति के नियम का ये एग्जाम्पल है, डायरेक्ट इसका आंसर आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको आप शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर इसका लगा सकते हैं। 20वां क्वेश्चन ये है, अनुक्रम इतने में के लिए अभिसारी अनुक्रमक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके क्वेश्चन 21 में समीकरण इतने के मूल समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, मूल क्या समांतर श्रेणी में है, तो पहले इसे सोल्व करके मूल निकाल लेंगे और फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा इसका सर्वांतर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, तो परास जो होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती। तो वक्र ई की पावर वाई 1+x² स्पर्श की प्रवणता एम है, तो यहाँ पर कंडीशन डी वाला जो है इसका आंसर सही है। ये देखिए, इसका लामी उसका लामी की प्रमेय, वही फोर दो बलों के बीच का परिणामी होता है, √P² Q² 2PQ cos α, अल्फा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, आंसर इसका ये आ जाएगा। लिमिट ये, इसे देखिए एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, या log 1+x का प्रसार कर दीजिए या cos x का प्रसार खोल दीजिए, तब भी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
छब्बीसवां वास्तविक फलन इतने का परास है, तो 0 से 3 तक इसका परास है। अब देखिए बल इतने किलोमीटर, इतने दूरी और ये इतने, आप क्या करना है पहले निकाल लेनी है चाल और फिर दोबारा चाल निकालनी है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका सी आंसर इसका आ जाएगा एफ एक्स बराबर ये। तो ये एक सम फलन कहलाता है। देखिए जब एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब ये तभी आया होगा जब एफ एक्स की जगह ये माइनस चिन्ह बाहर गया होगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, सम फलन हो गया, टोटल जो हो गया ये ए टू एक्स एफ टी डी टी कैसा हो गया, सम फलन। इतने का हल्के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर इसका आ जाएगा, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए क्या है, आई जेड क्यू बराबर ये, तो मोड जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की जगह कोस थीटा प्लस आई साइन, ओ सॉरी ई की पावर, जेड की जगह लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, यहाँ रख कर सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाए, फिर बाद में जो आएगा उसका मापांक ले लेंगे तो इसका आंसर बन ए आ जाएगा। अब देखिए समुच्चय का क्वेश्चन है, इसे जो है बैन डायग्राम की सहायता से करेंगे तो इसका 43 आंसर आ जाएगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन 2 BSc फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है हाइपरबोलिक से, तो वहाँ इसे आराम से इसको कर सकते हैं। सारणी का इसे 2 सारणी में तोड़ कर इसे सोल्व करेंगे, पहला इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यूनियन जो दे रखा है वो पी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन हमसे पूछा था, इसका मतलब जो है पी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हैं तो आप इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन, तो इसका मतलब क्यू इसका आंसर आ गया। अब यहीं पे बात करें दो वृत्त इतने पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या देखिए दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकालेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योग से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है। तो ये सीधा ही फॉर्मूला था BA OA - OB, यानी कि A - B इसका आंसर आ गया। यदि साइन बस ये है तो इतने है, तो एफ एक्स का मान यहाँ पर याद कीजिए, तो एफ एक्स का मान इसे आराम से यहाँ से इनवर्स में चेंज करके, इनवर्स हटा के यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब इसमें क्या करना है, देखिए पहले ये जो दे रखा है इसको हम समीकरण के रूप में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस के y प्लस के 3z बराबर 9। अब यहाँ देख लीजिए कौन से मान इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहले वाले ही इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए 39वां क्वेश्चन है, ये टेन ए प्लस बी का, यानी टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, डी इसका आंसर आ जाएगा। ये त्रिभुजों के गुण का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का त्रिभुजों के गुण, उसी से इसका मान निकालना, पी क्यू आर समांतर श्रेणी में सिद्ध करो, तो पी कोट पी वाई टू कोट आर वाई टू का मान होगा 3, तो ये आराम से हो जाएगा। दो बल दे रखे हैं, ये परिणामी बल के परित आघूर्ण ज्ञात कीजिए, देखिए ये जो ओल्ड बुक थी स्टेटिस्टिक्स उसमें क्वेश्चन था, अब ये नई वाली किताबों में ये क्वेश्चन नहीं है। तो 41 का बी पार्ट, 42वां क्वेश्चन दे रखा, एक्स वाई ये दे रखा, एस दे रखा, अचर है तो एस निम्निष्ठ होगा, तो एस निम्निष्ठ कब होगा, जब एस की वैल्यू होगी 2ABC। वक्र दे रखा वाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 32/3 ये तो फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 32/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी सीधा क्वेश्चन है, इतने के प्रश्न, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है पूरा, आप डायरेक्ट इसका टिक कर सकते हैं। 4PQ PQRS गुणांतर श्रेणी में है, ये किस श्रेणी में होंगे, ये भी सीधा ही क्वेश्चन है, आप सीधा टिक कर सकते हैं इसे, इसका आंसर हो जाएगा 45 का बी। देखिए 46वां क्वेश्चन, यदि समीकरण इतने का एक मूल ये है, तो एक की ये उठा के इसके अंदर रख देंगे, एक कमा निकल के आ जाएगा, इन्हें जो है आरोही क्रम में रख के ठीक बीच के पद को माध्य कहेंगे, इसका डी आंसर आ जाएगा। परस्पर लंबवत है, तो इसके लिए डॉट गुणन बराबर 0 रख के यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसे दो में चेंज करके इसका प्रसार कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। ये देखिए स्टेटिस का क्वेश्चन है, अब नहीं है ये, पहले थी स्टेटिस, इसमें क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आराम से P = Q cos θ आ जाएगा। इतने के प्रसार में x^11 का गुणांक बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, TR+1 हुआ पद निकाल के x^11 का गुणांक यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, √3 एक संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रतिदिन की स्पर्शिका समीकरण x² की जगह x^1 y² की जगह y^1 रख देंगे, पहला इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, तो इसका पहले संयुग्म निकालेंगे फिर गुणा कर देंगे, तो आंसर इसका आ जाएगा। ये प्रक्षेप का क्वेश्चन है, ये प्रक्षेप क्षेत्र, देखिए डायनोमिक्स का क्वेश्चन है, पहले डायनोमिक्स थी उसमें प्रक्षेप चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है, AT/4G इसका आंसर है। इसके आंसर करने के लिए R1 में हम सभी R1 R2 R3 जोड़ देंगे और फिर कॉमन ले लेंगे और फिर प्रसार कर देंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो n किस्तों में R ब्याज की दर किसी धनराशि ए, हाँ इसका सूत्र यही है पहले वाला, किस्त = A/1 - ये फॉर्मूला होता है इसका। 98वां क्वेश्चन देखिए यह है, इतने का मान याद कीजिए, तो ये भी आराम से हम कर सकते हैं, पहले इसमें जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको आराम से सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। इतने हैं तो एक्स वाई का मान याद कीजिए, तो इसे बड़े आराम से सोल्व करके इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे,
प्रसार, इसका प्रसार कर देंगे, एक तुलना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए पी आर 30 दिन में, पी क्यू इतने दिन में, 60 दिन में, तो कम समय चाल का क्वेश्चन है, इसका आता ही है एक क्वेश्चन, तो इसे आप कम समय चाल को कर लीजिए, 72 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ये देखा, ये देखिए उसका इसकी पावर है, ये फेमस क्वेश्चन है, ये कैलकुलस का जो चैप्टर था पहले उसी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अब भी रखा हुआ है ये इसका एक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आता है मॉडुलस वाला, आराम से इसे -2 से 0 और फिर जो 0 से 1, क्योंकि -2 से -1 दी -2 से 0 फिर 0 से 1 और 1 से 2 में तोड़ देंगे, इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी की संभावित त्रिभुज है, इसकी भुजा 2a है, तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई सीधा फॉर्मूला होता है √2, और भुजा यहाँ पर 2a दे रखी है, तो फॉर्मूले लगा के इसका आंसर आ जाएगा। ये गेंद मीटर प्रति सेकंड बेग से क्षेत्र से 30 से कोण में प्रक्षेपित की जाती है, क्षेत्र समतल पर उसका परास होगा, तो सीधा फॉर्मूला होता है क्षेत्र समतल पर परास का, वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। पी क्यू आर 3 समुच्चय तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका जो ये वाला सी वाला सही है, एक कण पर लगे दो बल ये हैं, कण ये स्थापित किए जाते हैं, कुल कार्य याद कीजिए, तो इसका दो बल ये देखें, तो इसे आराम से कर लेंगे। ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, यदि किसी लीप ईयर में अच्छे चुन लिया जाए तो उसके 53 रविवार होने की, लीप ईयर में तो 2/7 सीधी होती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी के स्थिति सदिश सही है, तो ए बी के मध्य बिंदु को, ए मध्य बिंदु का स्थिति सदिश होता है सिरों के बिंदु का स्थिति सदिश का योग बटे दो, सामर्थ्य का मात्रक होता है 8, ये दे रखा है तो संतुष्ट करता है, तो ए बी पी क्यू में संबंध है, इसका सी पार्ट इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राकृतिक संख्याओं का योग S1 उनके वर्ग का, देखिए ये सीधा क्वेश्चन है, इसे हम कर लेंगे, इसका जो है नमा ये क्वेश्चन है, इसका पहला ए आंसर है इसका, सीधे किताब देखिए, सीधे डायरेक्ट किताबों से रखें ये क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस किताबों से बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन रखा हुआ द्विघात समीकरण का, सीधा क्वेश्चन है ये, यदि ए दे रखा है बी दे रखा तो इनके बीच का कोण निकालना था, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है a.b अपर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उससे निकाल देंगे। अब ये भी देखिए बहुत आसान है, NPR का फॉर्मूला लगा देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इधर NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, आप फिर इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। परवलय की नाभि ये नियता ये है, तो उस परवलय का समीकरण है PS बराबर PM से इसको निकाल देंगे, एन अवयव वाले समुच्चय में समुच्चय की संख्या होती है 2n, ये तो फॉर्मूला ही होता है सीधा। किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति तथा तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ये है, उस प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता होगी, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता क्रमशः ये है, तो उस प्रश्न को हल हो जाने की प्रायिकता याद कीजिए, हल होने के बाद हल हो जाना चाहिए, ए कर ले या बी कर ले या दोनों कर ले, तो इनको जोड़ लेंगे आंसर, यानी ए गुणा ए कर ले, बी ना करे, बी करे, ए ना करे या दोनों कर लें, इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। एक्स अक्ष और सदिश इतने के बीच का कोण की खोजिए ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष का मतलब आई, आई और इसके बीच का कोण निकालना, तो यह जाएगा 2/3। परवलय वाई स्क्वायर प्राचलिक समीकरण x2 2a तो फेमस है, यही होती है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष फंक्शन इतने का समाकलन ज्ञात कीजिए, इसका आंसर यह आ जाएगा। इतने इतने के लघुत्तम सामर्थ्य, तो लघुत्तम सामर्थ्य आराम से निकालेंगे, सबको गुणनखंड करके जो कॉमन होगा उसमें से एक लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ सब लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 82 का देखें, इसमें कोई नहीं है, इतने का महत्ता सामर्थ्य निकाल, महत्ता सामर्थ्य होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें से कॉमन जो है ये वाला नहीं है जो इसमें दिखाया हुआ है। ए बी दे रखे तो वी क्रॉस ए निकालना, क्रॉस मल्टीपल सारणी की सहायता से इसको निकाल लेंगे। बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखाएं द्विकोज्याएं, द्विकोज्याएं क्या होती है, इनके DRS का अनुपात बटे इनका अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक के वर्ग से भाग दे देंगे, तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। समीकरण इतने एक अति परवलय को निरूपित करता है, ये कंडीशन है h2 - ab या ab - h2 जीरो से छोटा हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, परवलय इतने की नाभि लंब की लंबाई याद कीजिए, 1/a आ जाएगी, इसको परवलय के रूप में चेंज करके नाभि के परवलय की व्यापक समीकरण से तुलना करके निकाल लेंगे। समीकरण इतने के समस्त हलों का योग है 30π, इतने का संख्यात्मक मान होगा 1/8 है, सीधा क्वेश्चन, ये तो बहुत क्वेश्चन आता है। ए दे रखा बी दे रखा, त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसका ये आंसर आ जाएगा डी। ये सेट थीटा त्रिभुज स्पर्शी का समीकरण, सीधा फॉर्मूला होता है x^(a^2) / y^(b^2)x^(y^1) की जगह ये रख देंगे, आंसर इसका ए आ जाएगा। 91 का देखिए ये है, परवलय y^2 = 4x पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं का समीकरण ये है, तो ये वाला इसका बी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 92, ये BSC फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है, ये होता है cos 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू।
ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी का सदिश गुणन ये है तो का मान है टू ए क्रॉस बी, ये इनका सोल्व कर लेंगे ये आंसर है इसका जाएगा। एक्स रे दे रखा है तो ये डिमायर प्रमेय क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक में ही पाया जाता है ये क्वेश्चन, नई किताब में अब ये नहीं है। तो ये आ गया सी पार्ट इसका आंसर है। एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर दो है तो इसका मान याद कीजिए, तो इसके लिए ये दोनों पक्षों का घन कर देंगे आंसर इसका निकल के दो आ जाएगा। एक फलन एफ एक्स निम्नलिखित तरीके से परिभाषित है ये, तो इस दशा में एफ एक्स होगा तो एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर वन पर दोनों पर सतत होगा। यदि वृत्त का समीकरण ये है तो उसका केंद्र होगा, तो केंद्र हम निकाल लेंगे इसी तुलना करके। पहले ए स्क्वायर से केंद्र तब होता है जब टू ए माइनस थ्री बराबर यहाँ पर वन हो, तो ए बराबर 3/2 हो जाएगा इसका और यहाँ से आराम से निकल जाएगा, दूसरा जीरो हो जाएगा। दो क्लोराम का एक पत्थर बिलावस्था से उधर नीचे की ओर गिरने 5वें सेकेंड में, ये इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ये जो है डायनोमिक्स का क्वेश्चन है 99 का, ये दे रखा है उच्चिष्ट मान 4+k √2। एक बिंदु पर लगने वाले तीन बल यदि संतुलन में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, उपरोक्त प्रमेय को कहा जाता है, लामी का प्रमेय कहते हैं। ये भी स्टेटिस का क्वेश्चन है। 1250 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये 8 रुपये जाएगा इसका। पी क्यू दो समुच्चय हैं ये है तो ये क्या होगा, तो इसमें जो है डी पी यूनियन क्यू होगा। 103 का ये रखा तो एक का मान गया रखा, दोनों तरफ प्रसार कर देंगे एक का मान निकल के 3 आ जाएगा। ये तो आराम से कर सकते हैं, कोस का फॉर्मूला टेन के पदों में लगा देंगे इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। अंतराल इतने का वास्तविक हलों की संख्या है, तो वास्तविक हलों की संख्या कितनी है 3। इसमें एक कण ऐसे वक्र के अनुदिश गति कर रहा है, ये है इसका वेग, ये आ जाएगा इसका ए पार्ट। 107 का ये है कि त्रिभुज के शीर्षों के ध्रुवीय निर्देशांक हैं, तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज होगा ये। 108 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ये दे रखे हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक त्रिभुज के माध्य का, तो बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही ना इसमें। तो ए बी सी ये है तो कोसे का मान सीधा फॉर्मूला होता है, कोसे का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2BC, इसमें वैल्यू रख देंगे आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पर एक्स बराबर 2 DY/DX निकाल लेना, तो डिफरेंस करने के बाद एक्स के स्थान 2 रख देंगे तो इसका जो आ जाएगा अस्तविहीन आएगा इसका आंसर, यानी इसमें से कोई नहीं आएगा, अस्तविहीन होगा इसका आंसर। दो चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ निरूपित करता है एक सरल रेखा को, एक्स प्लस टू एक्स माइनस व्यंजक इतने के गुणनखंड हो तो एम एन का क्रमशः होंगे 7 और -8, इतने की घात है ये, तो सीधे आप लगा सकते हैं। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसकी जो होल घात होती है वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है, यानी 3 हो गया इसका। इतने के गुणनखंड है ये, पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन है, इसे पूर्ण वर्ग से गुणनखंड कर देंगे इसका सी आंसर इसका आ जाएगा। अब देखिए करते हैं 125 अवकल समीकरण इतने का हल है, तो ये चरघातांकी समीकरण है ये, यानी कि लीनियर इक्वेशन। उस वृत्त के की त्रिज्या जिसमें केंद्रीय कोण जिसका परिमाण 45 है 120 सेंटीमीटर चाप काटता है, तो ये आंसर आ जाएगा 168। आपका समीकरण इतने की कोटि है, देखो आप घात पूछ रही थी पहले, इसमें कोटि आ गई, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वो इसी कोटि कहलाती है, यानी 3 बार इसका डिफरेंशियल हो रहा है मैक्सिमम, तो कोटि 3 हो गई। अब देखिए ए बी सी बराबर ये, तो इतने का मान होगा 30, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले समीकरण इतने का विलंब का समीकरण, तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें, या हम इसे उससे भी कर सकते हैं, अति प्रबल का सीधा फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हो। एक्स अपॉन एक्स वन अपॉन स्क्वायर बराबर माइनस y/y1/y1/v² और x/y1 की जगह रख देंगे आंसर इसका ये वाला आ जाएगा। आप इसे कैलकुलस से भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इतने और इतने का मान याद कीजिए, तो ये 1+ω² बराबर होता है -ω, यानी -2ω हो जाएगा इसका, और ये गुणा कर लेंगे आपस में 4 आ जाएगा इसका आंसर। ए बराबर दे रखा ए माइनस बी ए प्लस बी इतना, तो इतने का मान हमने याद करना, तो इसका बी आंसर √57 इसका आंसर आ जाएगा। का प्रांत है तो इसका जो प्रांत आएगा वो एक्स इज ग्रेटर देन -1। सममित संख्या ये दे रखी है, निरूपित बिंदु से बनने वाले त्रिभुजों की प्रकृति होगी, तो ये अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा, इसे बिंदु निकाल के भी आप कर सकते हैं। एफ दे रखा, जी दे रखा और एक एफ एक्स दे रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है, तो एफ प्लस 2 का मान याद कीजिए, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे F2 या FG2 लिख सकते हैं और इनकी वैल्यू ऊपर से निकाल कर रख देंगे तो इसका 24 आंसर आ जाएगा। उस दीर्घवृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसकी नाभि ये है, नियता यह है, उत्केंद्रता ये है, तो दीर्घवृत्त के लिए होता है प्रतिबंध PS बराबर EPM। क्या होता है प्रतिबंध PS बराबर EPM। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर जो है ए आ जाएगा।
तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप एसपी मैथ चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।